अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा दूसरा ब्लॉग है और आज है रोज़ा चौथा। सॉरी मैं दो दिन जाके ब्लॉग्स आपके लिए अपलोड नहीं कर पाई थी। अभी बज रहे हैं 3:30। अच्छा था रोज़ा है, सहरी का टाइम है तो हम उठ गए हैं, मुँह हाथ धो लेते हैं, उसके बाद सहरी की तरफ चलेंगे। वैसे भी रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि बहुत ही अच्छा मौसम है और बहुत स्वीट वेदर में बहुत ही अच्छे से गुजर रहे हैं। तो हमने सहरी बना ली थी, अब हम सहरी की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारी सहरी। सहरी बेसिकली थोड़ी सी लाइट ही करना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी लाइट सहरी चाहिए कि आपको सारा दिन फ्रेश रखती है। पराठा या फिर कुछ और खाने से जो है सहरी बहुत हैवी हो जाती है, फिर दिन में आपको हेजिटेशन हो रही होती है। लंबा रोज़ा होता है तो हल्की फुल्की सहरी ज़्यादा बेहतर रहती है। तो यहाँ बज गए हैं 10:30 से 11 का टाइम है। आप मौसम देख सकते हैं, बहुत अच्छी धूप है, ना तो ज़्यादा तेज़ लगने वाली और ना ही ज़्यादा तंग कर रही थी धूप। और यहाँ अब जो है कि हम लोग कुरान पढ़ रहे हैं और ये टाइम है तकरीबन 12:00-1:00 का टाइम था। और अभी जो है कि 4:30 का टाइम हो गया, हम लोग अफ्तारी बना रहे हैं। अफ्तारी में बेसिकली तो ज़्यादा चीज़ें बनती हैं और टाइम तो जल्दी गुजर रहा होता है। आप मतलब रोज़े की वैसे आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं तो बेसिकली आप सबसे पहले लग जाएंगे तो आराम से अफ्तारी बना लेंगे। तो ये जहाँ जो है कि 4:45 का टाइम था, आलू बॉयल हो चुकी थी, सालन तकरीबन भुनने वाला था। तो हम लोगों ने इस सबको कंप्लीट करके जो है कि एक चूल्हे पर रख दिए सेवइयां बननी। यहाँ हमारी बिरयानी भी दम हो चुकी है और टाइम हो गए हैं 5:30 और हमारा सालन भी तैयार हो चुका है, कंप्लीट बन चुका है सालन। मोस्टली हम जो अपना आधे ज़्यादा काम था वो कंप्लीट कर चुके थे। अब जो है कि इसके अलावा बहुत अच्छा ज़्यादा गुजर रहा था हमारा। और जो है कि मैंने जो आलू हैं जो बॉईल किए थे वो मैश कर लिए थे। एक तरफ जो है कि आलू के पकौड़े बनाने के लिए बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और जो है कि बहुत सिंपल है बनाना। इसके अलावा एक तरफ मैंने जो है आलू का मसाला जो है कि तैयार कर लिया था। ये फीलिंग है समोसों की और रोल की। यहाँ हमारी सेवइयां भी तकरीबन तैयार हो चुकी थी और जो है इसे देख लेते हैं एक बार सेवइयां की क्या कंडीशन है। तो जो है कि यहाँ देखिए सेवइयां जो है ये तैयार हो चुकी है। ये काफ़ी पतली है इस वक्त देखने में, लेकिन बेसिकली ये वाली सेवइयां जो है कि बहुत सोक करती हैं मिल्क को, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसे इसी तरह मिल्की मिल्की छोड़ देंगे तो ये थोड़ी देर बाद खुद ही सेट हो जाएंगी और जो है कि हार्ड फॉर्म में आ जाएंगी। तो हम इसे यहाँ से इस वक्त इस तरह पर फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक नज़र जो है कि आपको बिरयानी की तरफ भी दिखा देते हैं। बिरयानी दम पर रखी हुई थी जो कि दम हो चुकी है और अभी बेसिकली जो टाइम है वो 6:45 का हो चुका है। ठीक है, रोज़ा जो है हमारा 7:45 पर अफ्तार होगा। यहाँ हमारे पास 1 घंटा है समोसे वगैरह बनाने के लिए और नमाज से फारिग हो चुके हैं हम लोग। तो अभी हम जो है घर पर समोसे बनाएंगे, तो जो समोसे की पट्टी है वो बनाएंगे और उसके बाद समोसे। बेसिकली हमें 1/2 घंटा लग जाएगा और 1/2 घंटा हम लोग सेट वगैरह करने में दुआ वगैरह मांगेंगे तो हमारा अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ बिरयानी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बनी है। बिरयानी में से खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है और रोज़े के दौरान तो बहुत ही प्यारी आती है। और जो है कि यह हमारी बिरयानी कंप्लीट हो चुकी है। मोस्टली हम तकरीबन सारा ही काम कर चुके हैं और जैसे कि मैंने बताया कि टाइम 6:45 का हो गया है। हमारे पकौड़े भी तैयार हैं, सिर्फ फ्राई करने वाले रहते हैं। और इसके अलावा ये पकौड़े मैंने सिर्फ आलू से बनाए और कुछ भी मैंने इंक्लूड नहीं किया। और इसके अलावा हमारे समोसे ही बन चुके हैं और यहाँ टाइम हो रहा है 6:45 का। तो ये है अफ्तारी में, बेसिकली अफ्तारी की जो अफ्तार टाइम की वीडियो थी वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि दुआ वगैरह मांग रहे होते हैं और मतलब जो है कि सारा कॉन्सेंट्रेट रोज़े की तरफ होता है, तो उस टाइम मतलब जो है कि मैं भूल गई थी। मेरा लिए उसके बाद की वीडियो है थोड़ी सी क्लिप। उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।